चाहता हूं तुम मेरे साथ घर चलो।
फल हो गई है। सचमुच मिसेस एल्विन कहती है कुछ भर भी गई है। भर गई है? शायद थोड़ी सी। मिसेस एल्विन को बता दूं कि आप आ गए हैं। शुक्रिया, अभी कोई जल्दी नहीं है। आपके पिता का क्या हालचाल है? आपकी कृपा से अच्छा ही है मिस्टर मेंडर्स। उन्हें किसी की देखभाल की बड़ी जरूरत है। कोई चारा नहीं।
भगवान खास तौर पर हिफाजत करेंगे, तो फिर छोड़े ना? जरूर, जैसी आपकी इच्छा, कोई भी माने। कली वहां पर आग लगने लगती बच्ची। आग जहां एंशंट नंबर था तेरा सराई फेंकने में वहां बहुत ही लापरवाह है। कैसी अजीब बात। मिस्टर मेंडर्स, न समझना चाहिए कि मैं कलाकारों की जिंदगी को एकदम बुरा समझता। जहाँ तक मैं समझता हूँ तुम कलाकारों के साथ ही रहे हो। बिल्कुल ठीक। और वो भी नौजवान कलाकारों के बीच। बिल्कुल ठीक। और ऐसे लोग तो ज्यादातर घर बार नहीं बसा पाते, ज्यादातर विवाह नहीं कर पाते, ये सही है। पर मैं तो कहता हूँ कि ये मतलब नहीं है कि उनके अपने घर बार नहीं हो सकते। मैं कुमारे लोगों की घर बार की बात नहीं कर रहा, घर बार से मेरा मतलब है परिवार, एक ऐसी गृहस्थी जहाँ आदमी अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहता हो। अपने बच्चों या उनकी माँ के साथ? ओह गॉड, रहता हो अपने अपने बच्चों की माँ के साथ। चाहते हैं वो उन्हें छोड़कर चला जाए। तब तुम गैर कानूनी और बदचलनी के रिश्ते की बात कर रहे हो। मैंने तो इन लोगों की जिंदगी में कोई खास बदचलनी नहीं देखी। कोई भले लड़के लड़की कैसे इतना गिर सकते, कैसी शर्मनाक हालत में रहे। एक बात मैं कहूँ मिस्टर मैंने, जरूर मैंने बहुत से इतवार इन घरों में बिताए हैं जिन्हें आप गैर कानूनी कहते हैं। वो भी इतवार के दिन? हाँ, ना मैंने कोई ऐसा काम ही देखा जिसे किसी भी तरह बदचलनी कहा जा सके। आप जानते हैं कब और कहाँ मुझे बदचलनी देखने को मिली? भगवान बताए तो मुझे कहने की इजाजत दीजिए। जब आपके इज्जतदार नागरिक, आपके आदर्श पिता जब कुछ जिंदगी देखने के लिए विदेश यात्रा करते हैं, तो फिर दया करके हम गरीब कलाकारों से मिलने आते हैं, तब खुल्लम खुल्ला बदकारी दिखाई पड़ती है। शरीफ लोग ऐसी ऐसी बातें बताते हैं जो हमें कभी सपने में भी ना सोचे। शरीफ लोग? हाँ शरीफ लोग। आपने भी जरूर इन इज्जतदार शरीफों को सही सलामत घर लौटने के बाद विदेशों में फैली हुई बदचलनी पर लैंस जान तो जरूर सुना हो। जरूर जरूर सुना है। सुंदर और स्वाधीन जीवन को लोग अपनी गंदगी से इतना भ्रष्ट करते रहते हैं। जानता हूं आप लोग मेरी भावना को नहीं समझते। बेचारा लड़का, आपकी पिताजी पर मुझसे से एक बरस ही हुआ होगा जब आप ऐसा काम कर बैठी थी जिससे आपकी जिंदगी तबाह हो गई।
आपने अपने घर में हल्दी और शौहर को छोड़कर भाग निकले। हाँ मिसेज एल्विन, आप भाग निकली थी और उनकी तमाम मेहनतों के बावजूद आपने लौटने से इनकार कर दिया था। पर उसे एक परत में भी हद की नहीं, ये भी मत भूलिए। पर और आप तो जानते हैं उन दिनों एल्विन का चाल चलन, उनकी चोटियां। आपने बगावत की, अपने शौहर को मदद और सहायता करने के बजाय उसे छोड़कर चली गई और ऐसा करके अपने नाम और इज्जत को और दूसरे के नाम इज्जत को खतरे में डाला। दूसरों के? हाँ, उस वक्त मेरे पास मदद के लिए आना आपकी बड़ी भारी ना समझी थी। क्यों? आप हमारे दोस्त नहीं थे। ईश्वर को शुक्रिया कीजिए, उस वक्त मैं कमजोर ना पड़ा और आपको समझाओ जाकर फर्ज के रास्ते पर लौटा लेने में कामयाब रहा। मैं तो उस बड़ा पिता परमेश्वर के हाथ का हथियार बनूं। अब मैं आपकी जिंदगी की दूसरी भूल का जिक्र करना चाहूंगा। कैसी दूसरी भूल? पहले आप बीवी के फर्ज को पूरा ना कर सकी, बाद में माँ के फर्ज को पूरा करने में नाकामयाब रही थी। आपका स्वभाव हमेशा आपको कायदे कानून के खिलाफ ले जाता है। आपको बीवी बने रहना अच्छा ना लगा और माँ का काम भारी ना पड़ा था, इसलिए अपने बच्चे को अजनबी के पास भेज दिया था। मुझसे आप बीवी की हैसियत से मुजरिम है और अपने पति को भारी धोखा दिया है और उसकी कीमत आज आप उसकी यादगार के लिए चुका रहे हैं। पर बच्चे के साथ किए गए धोखे की कीमत कैसे चुकाएंगे मिसेज जर्मी? मैं आपको आगाह करता हूं, या मां के हैसियत से मुजरिम और ये सब बताना मैं अपना फर्ज समझता हूं। मेरे पति के जिंदा रहते आप एक बार भी हम लोगों से मिलने यहाँ नहीं आ सके। इस अनाथालय के काम से पहले आपको हमसे मिलने की जरूरत महसूस नहीं हुई? अगर आप ये शिकायत की तरफ कर रही प्रिय हेलेना, इस बात पर गौर करें कि आप जिस हालत में थे उसमें आपको अपनी इज्जत बचाना ज्यादा जरूरी था। आखिर मैं पति से भाग निकलने वाली औरत ही तो थी और ऐसी आवारा औरतों से पत्नी जितना होशियार रहे उतना ही अच्छा है। इसे जानी बाहर
बाहर भेजना ही उचित समझा। मैंने बहुत काम किया, मैंने बहुत काम किया, और इसके लिए सारी ताकत, सारी पढ़ाई उस एलविन को मिली। और ऐसे आदमी की यादगार खड़ी करेंगे। मन में चोर हो तो ऐसा ही होता है। चोर क्या मतलब? मुझे लगता था एक ना एक दिन ये बात जाहिर हो जाएगी और लोग इसे मान भी लेंगे। इसीलिए अनाथालय मैंने एलविन की याद बनाने का निर्णय लिया कि हर तरह की अफवाह, हर तरह के संदेह सदा के लिए मिट जाए। और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बेटे को अपने पिता की कोई भी चीज विरासत में मिले। पागल हो गया क्या? क्या हुआ? क्या वो
रानी की गुस्ताखी। कोई बात नहीं, मुझे कुछ काम था। शुक्रिया मिसेस एल्विन, आपसे नहीं, पर अगर मैं इनसे दो बातें कर सकूं तो। मुझसे बात करना चाहते हो? बड़ी मेहरबानी होगी। क्या है? काम खत्म हो चुका है। मैंने सोचा आज शाम कुछ ईश प्रार्थना करें तो बड़ा अच्छा। ईश प्रार्थना अनाथालय में? अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो। परेशानी? मगर तुम? जी हाँ, मैंने सोचा थोड़ा बहुत कभी कभी धर्म का काम हम सभी को करना चाहिए। मैं एक मामूली छोटा आदमी हूँ साहब, जब तक आप यहाँ हैं मैंने सोचा। तुम्हारा दिल साफ है? भगवान भला करे, मेरे दिल की चर्चा से कोई फायदा नहीं। मेरी बात का सच जवाब दो। कभी तो यानी जरूर मुझे अपने दिल पर एक बोझ सा लगता है। ईमानदारी से सच कहो रेजिना के बारे में। रेजिना? हाँ। उस पर कोई मुसीबत नहीं है ना? रेजिना से रिश्ता क्या है? तुम अपने आप को उसका पिता कहते हो ना? आप मेरे पिताजी जोहाना के मामले में तो सब कुछ जानते ही हैं। टाल मटोल मत करो। तुम्हारी बीवी जोहाना नौकरी छोड़ने से पहले मिस्टर जेल्विन को सब कुछ बता दिया। आपका मतलब है उसने सब बता दिया था? हाँ, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। इतनी सारी कसमें खाने के बाद भी। कसमें? उसने मुझे पक्का यकीन दिलाकर कहा था। तुमने मुझसे सच्चाई का छिपाए रखा। मैंने हमेशा तुम पर ज्यादा भरोसा किया। गलती तो मुझसे ही हुई है। क्या मैंने तुम्हारी पूरी मदद नहीं की? और तुमने चर्च के रजिस्टर में मुझसे झूठी बातें लिखवाई। आज से मेरा और तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। इसके अलावा और चारा ही क्या? असल में हम लोगों ने सोचा था इस चर्चा से जोहाना की शर्मिंदगी बढ़ाने से क्या फायदा होगा। मान लीजिए आप उस बिचारी की जगह होते मिस्टर मेडर। मैं? भगवान भला करे, मेरा ये मतलब नहीं। मान लीजिए आपके हाथों कोई ऐसा काम हो जाता जिसके लिए आपको दुनिया के सामने शर्मिंदा होना पड़ता। मर्दों के लिए एक बिचारी औरत को बहुत सख्ती से जांचना ठीक नहीं मिस्टर मेंडर। मैं तुम्हारी गलती बता रहा हूँ एंस्टन। आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूं? पूछो। क्या आदमी को अपना फर्ज नहीं निभाना चाहिए? जरूर। देखिए उस अंग्रेज के साथ झमेले के बाद मुमकिन है वो कोई अमेरिकी या रूसी ही रहा हो। जोहाना शहर लौट आई, बेचारी दो बार पहले ही मुझे ठुकरा चुकी थी। उसकी नजर में खूबसूरत लोग ही चढ़ते थे। और मेरा तो ये बदसूरत पैर था ही। जोहाना शहर लौट आई और रो रो कर अपनी मुसीबत का हाल मुझसे कहा। मुझसे उसकी बातें सुनकर मेरा दिल भर आया। जोहाना, आज तुम एक पापनी गिरी हुई औरत हो। मैंने कहा पर्जा का बैंक स्टैंड, मैंने कहा आज यहां अपने दोनों मजबूत पैरों पर खड़ा है। दरअसल वो तो कहने की बात थी ना साहब, आप तो जानते हैं। कहे जाओ अंकशन। मैंने उसे शादी कर ली, उसे एक इज्जतदार औरत बना लिया ताकि परदेसी के साथ उसकी गलती की बात को कोई जान ना सके। पर मैं तुम्हारे रुपए लेने के बाद कभी माफ नहीं। रुपया? मैंने एक पैसा नहीं साहब, एक पैसा नहीं, एक पैसा नहीं साहब। ब्रैंकस्टन? हाँ, ठहरिए। उसने कुछ कहा तो था कि उसके पास रुपया है, पर मैंने इस पर जरा भी कान नहीं दिया। आप समझे? समझ गया। और वहां ने तय किया इस पैसे की एक एक पाई बच्चे के लिए खर्च होनी चाहिए। वो दिन हुआ भी साहब, अगर आप कहें तो मैं पाई पाई का हिसाब दे सकता हूँ। बात भी यही है
डॉक्टर मैं भी यही कह रहा हूँ, मैं भी यही कह रहा हूँ। मैंने रेजिना के साथ एक पाप का सा बर्ताव करने की पूरी पूरी कोशिश की, एक पाप का सा बर्ताव करने की पूरी पूरी कोशिश की, जहां तक मुझसे बन सका मैंने किया। और आप तो जानते हैं मैं कितना कमजोर आदमी हूँ साहब। जानता हूँ। मैं ईमानदारी से कहता हूँ साहब, मैंने बच्चों को अच्छी तरह पाला पोसा और जुहाना के साथ सदा अच्छा और प्यार का बर्ताव किया। सदा अच्छा और प्यार का बर्ताव। अपना हाथ दो एंस्टन। हे ईश्वर साहब, मैं ईमानदारी से कहता हूँ मुझे माफ कर। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। नहीं 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 साहब, नहीं, आप एक मेहरबानी करें तो बड़ा अच्छा। मैंने अपने यहाँ की कमाई में से थोड़ा सा पैसा बचाया है और सोचता हूँ इसी पैसे से जहाजियों के लिए कोई सराय खोलूं। ये उनके लिए एक तरह का बसेरा होगा, ये उनके लिए एक तरह का बसेरा होगा। मैं चाहता हूँ मेरे यहाँ घर की सी देखभाल में। मेरे पास बहुत पैसा तो है नहीं, सोचता था कहीं तो थोड़ा बहुत सारा हो जाता तो थोड़ा बहुत। मैं सोचूंगा क्षण, अब तुम जाओ और जाकर रोशनी जला दो। मुझे यकीन है तुम भजन करने के लायक हो। मुझे नहीं यकीन है बेचारी जोहाना की बेटी, पता नहीं उसने मेरे दिल में कैसे जगह कर ली, पर कर जरूर ली, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। आखिरकार मैं डॉक्टर के पास गया, तब मुझे सच्चाई का एहसास हुआ। क्या मतलब? वहां का सबसे अच्छा डॉक्टर था,
मैंने उसे अपनी हालत सुनाई तो उसने तरह तरह के सवाल पूछना शुरू किया, ऐसे सवाल जिनका इस बीमारी से कोई ताल्लुक ही ना लगता था। मैं तो समझ ही नहीं सका उसकी मंशा क्या। आखिर उसने कहा, तुम्हारे बदन में चरम से बर्बादी की तरह मौजूद है। इससे उसका क्या मतलब था? मैंने उसे समझाने को कहा था, उस वक्त मेरे पास तुम्हारी कुछ चिट्ठियां थी, उनमें से कुछ हिस्से जो पिताजी के बारे में थे मैंने उन्हें पढ़ के सुना, तो उससे मानना पड़ा। बोला मुमकिन है गलती मेरी ही हो। तब मुझे सच्चाई का एहसास हुआ, ऐसी सच्चाई का जिस पर यकीन किया जाना कठिन होता है, कि जैसी जिंदगी में बिता रहा था बेफिक्री और मौत थी, उसके लायक मेरे पास ताकत नहीं है, मुझे और भी होशियार रहना चाहिए था। देखो मॉम, देखो ये मुसीबत मैंने अपने ऊपर खुद बुलाई है। मॉम ऐसा मत सोचो, ऐसा मत सोचो। डॉक्टर ने कहा था शर्मनाक बेवकूफी से अपनी तंदुरुस्ती को, खुशी को, अपनी सारी जिंदगी को मैंने बर्बाद कर दिया। नहीं, ये सच नहीं है, इतनी ऐसी निराशा की बात नहीं है बेटे। तुम तो जानते हो दुनिया में मेरा और कोई नहीं है, मेरे तो सब कुछ नहीं है। अब तुम सब कुछ जान गई हो तो आज इसके बारे में कोई और बात नहीं करें। क्या चाहते हो और अंधेरा लगातार बारिश हो सकता है, यहाँ तो चले बारिश जाना।
वो ऐसे खड़ी थी जैसे मामा मुझसे लिपट जाने का इंतजार कर रही हो। ओसे तो मुझे एक एक महसूस हुआ, वो मुझे बता सकती है तो जीने की खुशी से इतनी भरपूर है। जीने की खुशी, क्या उससे राहत मिलती है? माफ कीजिए मिसेस एल्विन, मुझे आने में थोड़ी देर लग गई। एक गिलास और ले आओ। पर मिसेस एल्विन के लिए तो गिलास है सर। हाँ, अपने लिए एक और ले। रुकने से कोई फायदा नहीं। जाओ। ओ, मिस्टर मेंडर्स आ रहे हैं। हमें आइंस्टाइन पे जरूर मदद करनी चाहिए। रेजिना उसके साथ लौट जाए, उससे मदद मिलेगी। नहीं मिस्टर मेंडर्स, धन्यवाद। और हाथ में ग्लास लेकर। माफ कीजिए। रेजिना मेरे साथ जा रही है मिस्टर मेंडर्स। तुम्हारे साथ? हाँ, मेरी पत्नी के रूप में। एक बार इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। यहाँ रखिए मिस्टर जेफरी। मैं सब सच बता सकती हूँ। आप कुछ नहीं बताएंगी। मैं बता सकती हूँ। आप कुछ नहीं बताएंगी। हम क्या बात की पा रही हूँ। पूछो आपसे छोटा सा सवाल पूछूं, उस जगह का बीमा तो था ना साहब? बीमा नहीं कराया गया था। बीमा नहीं कराया था? नहीं। ईश्वर, कैसी बदकिस्मती की बात है साहब। बेशक तुम ये कह सकते हो, मिशन कर सकते हो। किसी का भला नहीं हुआ था। आप सचमुच आप ऐसा सोचती हैं? करके अपने सारे कागज पत्र अपने साथ ले जाइए। मुझे समझ में अब एक शब्द भी नहीं सुनना। मुझे और भी काम है। मिसेज जेफरी, और वो भी एक खराती संस्था में। मुमकिन है अखबार वाले आपको बिना छोड़े मिस्टर मेंडर्स। इसी उधेड़ बुनों से पड़ा हुआ हूं अंचल। बस क्या ख्याल है, रात तक से मुझे दिल कांपने सा लगता है। आप मेरे जहाजियों के बसेरे के बारे में गौर कर सकते हैं मिस्टर मेंडर्स। अच्छा सुझाव है गौर करने लायक है। पर नामुमकिन नहीं कि जनमत के लोग मुझे इससे अलग होने दिलना चाहते हैं। ये क्या कह रहे हैं मिस्टर मेंडर? साहब मुझे ना भूलिए। जैकब एनस्टन को ना भूलिए साहब। जैकब एनस्टन को ना भूलिए साहब।
इसमें क्या? जैकब एम्स्टर्न ऐसा आदमी नहीं जो अपनी भलाई करने वाले के साथ मौके पर दगा करे। जैकब एम्स्टर्न आपके साथ दगा नहीं करेगा साहब, वो आपकी पूरी तरह से हिफाजत करेगा साहब। पर मैं इसके लिए कभी कभी तैयार नहीं हो सकता। आपको इसमें कुछ ना करना पड़ेगा साहब, ये पहला मौका ना होगा कि दूसरों का इल्जाम मैं अपने मत के ले। एम्स्टर्न, तुम्हें जहाजों के बसेरे के लिए पैसे दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा, भरोसा रखो। हाँ, पूरी कोशिश करूंगा। अब हम लोग साथ साथ चलेंगे। तू मेरे साथ चलना छोकरी, रानी की तरह रहेगी। ईश्वर बचाए। तुम्हें मालूम है मैं कहाँ मिलूंगा? हार्बर स्ट्रीट, समझ गई? गरीब जहाजियों के लिए मेरे बसेरे का नाम होगा कप्तान एल्विन का शरण गृह। कप्तान एल्विन का शरण गृह। चलो भाई एक्शन। नमस्कार। अब जल्दी सोओ। मुझे लगता है तुम सच में बीमार हो बेटे। क्या मिसे अर्जुन बीमार है? सब दरवाजे बंद कर दो। सब दरवाजे बंद चाहता हूँ। दरवाजे बंद कर दो रजीना। और रजीना भी यही कह रहे, वो मुझे छोड़कर कभी ना जाए। तुम मेरी मदद के लिए तैयार रहोगी ना रजीना? रहोगी ना? मैं कुछ समझी नहीं। मदद के लिए? हाँ, वक्त आने पर। इसके लिए तुम्हें अपनी माँ पर भरोसा नहीं है? तुम नहीं कर सकोगी माँ, तुम नहीं कर सकोगी। तुम इतने तकल्लुफ क्यों करती हो रजीना? तुम मुझे ऑसवर्ड क्यों नहीं कहती? इसे जेल्विन को अच्छा ना लगा तो जल्दी शायद तुम्हें इसका अधिकार मिल जाए, इसलिए बैठ जाओ रजीना। और अब मेरे बेटे, मैं इस तकलीफ को तुम्हें अब और नहीं सहने दूंगी। माँ? हाँ, इस पछतावे को, इस पंख की भावना को। तुम कर सकोगी माँ? हाँ, मैं कर सकूंगी। जिंदगी भर मुझे सिर्फ फर्ज सिखाया गया था। तुम्हारे पिता बेचारे, तुम्हारे जन्म के पहले ही तुम्हारे पिता अपनी बस चलने की वजह से दुख थे। और मैं दिनों रात इसी सोच में जीना करती थी कि इस घर में रजीना को भी वही अधिकार है जो तुम्हें है। रजीना, तुम सबको जान रहे हो, तुम दोनों। रजीना, माँ उस तरह की थी। तुम्हारी माँ में बहुत सी खूबियाँ थी रजीना, पर फिर भी वो थी तुम वैसी ही। मुझे फौरन चले जाने की आज्ञा दीजिए। मकई जाना चाहती हो रजीना? जरूर चाहती हूँ मिसेस एल्वी। ठीक है, जैसा चाहो वैसा करो। पर जा रही हो, पर अब तो यही तुम्हारी जगह है मिस्टर एल्वी। तो शायद मैं तुम्हें ऑक्सफर्ड कह ही सकती हूँ, हालांकि ये इस तरह होगा मैंने नहीं सोचा था। रजीना, मिसेस एल्वी, अगर मुझे पता होता कि ऑक्सफर्ड बीमार है तो, और अब तो हमारे बीच कभी कोई ऐसी बात हो ही नहीं सकती। नहीं, मैं यहाँ इस देहात में बीमारों की दीमारदारी में अपना वक्त बर्बाद नहीं कर सकती। अपने भाई के लिए भी नहीं रजीना। मैं कहूंगी नहीं, मैं गरीब हूँ, पास मेरी जवानी के सिवा और क्या है, इसे मैं यूं ही बर्बाद नहीं कर सकती। मैं बीच में लटकने को तैयार नहीं। वो जीने की खुशी कुछ मेरे भीतर ही मौजूद है मिसेस एल्वी। अपने आप को यूं ही बर्बाद मत कर देना रजीना। ये भी होगा तो होगा, बस अगर ऑक्सफर्ड अपने पिता पर गया है तो मैं शायद अपनी माँ पर। एक बात और कहूँ मिसेस एल्वी, मुझे लगता है अच्छी तरह पालन पोषण का भी मेरा हक था, ऐसा जो एक शरीफ आदमी की बेटी के लिए ठीक होता है। क्या परवाह, हो सकता है किसी दिन मैं भी अच्छे से अच्छे लोगों के साथ शैंपेन पी सकूं, कौन जानता है। अगर तुम्हें कभी किसी घर की जरूरत पड़े रजीना,
मेंडर्स मेरी देखभाल जरूर करेंगे, मुझे यकीन है। और अगर कहीं कुछ ना हुआ तो मैं एक ऐसी जगह जानती हूँ जहाँ मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। कहाँ? कप्तान एल्विन के शरण गृह में। और आपको लुटा मत देना है दीना। क्या फर्क पड़ता है? नमस्कार। चली गई मॉम। पिताजी के बारे में जानकर पिता मैंने अपने पिता को कभी नहीं जाना। उनके बारे में बस मुझे एक ही बात याद है कि उन्होंने मुझे बीमार कर दिया था। कैसा खौफनाक ख्याल है। एक बच्चे को पिता से कुछ तो कहना ही चाहिए। तो इन्हें प्रेत कहो। प्रेत? हाँ। चाहो तो तुम्हें मुझसे भी प्यार नहीं है? तुम्हें कम से कम मैं जानता तो हूँ। मैं समझती हूँ, तुम अभी मेरे हो नहीं, मुझे तुम्हें हासिल करना है। ये सफाई की जरूरत नहीं है मां। याद रखो मैं बीमार हूँ, मुझे दूसरों के लिए परेशान होने की फुर्सत नहीं। अपने लिए बचाकर रख छोड़ी है।
मैं इससे आपका परिचय कराना चाहूंगा, गौतम मजूमदार। गौतम मजूमदार जी नीचे आ जाएं प्लीज। बड़ा खुश हूं आपको लेने के लिए। एक्टर साहब को मैं अध्यक्ष शासकीय अध्यक्ष सतीश मंच के तौर पर निश्चित भारतीय नाट्य के निवेदन करूंगा कि वो गौतम जी को मुझे लेकर के एक्टर्स स्टेज पर आ जाएं। सुरेंद्र, नजमी, अर्चना, प्रस्मृति, मनोज, अनुराग, चित्रा। विशेष रूप से यहाँ जितने लोग आए हैं थिएटर से जुड़े हुए,
और थिएटर को लाइक करने वाले, तुमसे भी कहना चाहूंगा कि 13 और 14 का कुछ हिस्सा मैंने अभी देखा है खुद, मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, बट जितना देखा है उसको देखकर जरूर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 13, 14 को भी आप जरूर आए और हेवन भी दें। थैंक यू।